नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार फली की सब्जी एक नए तरीके से, जिसके लिए हमने 2 प्याज लिए हैं, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है और कुछ मूंगफली के दाने। अभी हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और ये लीजिए पेस्ट बन गया। 3-4 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 चम्मच जीरा डाला है और जीरा जब सुनहरा भूरा हो जाए तब हम ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट जो हमने 2 प्याज, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और कुछ मूंगफली के दानों से बनाया है वो डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको चलाते हुए बहुत अच्छे तरीके से पकाएं। ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है जब ये पकता है, क्योंकि इसमें मसाले भी हैं और प्याज है तो बहुत ही। और जब तक ये अच्छे से ना पक जाए तब तक इसको चलाते हुए पकाएं। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तब इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें और मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें। और जब तक मसाले पक नहीं जाएं तब तक अच्छे से पकाएं चलाते हुए। पकाते रहें मसाले जब तक ना पके तब तक। और अच्छे से पकाएं इसको। और जब ये अच्छे से पक जाए ये देखिए ऐसा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है। और अभी हम एक चीज़ और डालेंगे इसके अंदर जिससे इसका स्वाद और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, और वो एक मेन चीज है आज इस रेसिपी की, जिसके डालने के बाद ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। हेल्दी टेस्टी रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, ये हमने एक अमरूद लिया है और कुछ थोड़े से पॉपकॉर्न लिए हमने और इनको एक साथ ग्राइंड कर लिया है, ये पेस्ट बना लिया है। इसको डालेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे और चलाते हुए मिलाएंगे अच्छे से और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पॉपकॉर्न और अमरूद का पेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पक नहीं जाता। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जब ये पक रही है ग्रेवी। देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी बनी है हमारी, कितना प्यारा कलर आया है इसका। और इसको चलाते हुए पकाते रहें, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, ऐसे ही पकाना है दोनों मसालों को, पहले वाले को भी और इसको भी। आराम से आप पकाते रहें चलाते हुए जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए तब तक पकाते रहें। और फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दें और इसको ढककर पकाएं अच्छे से और साथ साथ में चलाते रहें, देखते रहें। और जब तक ये अच्छे से नहीं पक जाए तब तक इसको पकाते रहें आप। और जब ये अच्छे से पक जाए तब इसके अंदर ये 1 बाउल
बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रेश घर की ग्वारफली है, जिनको हमने 2-3 बार पानी से धो लिया और दोनों तरफ से काट कर अच्छे से तैयार कर लिया है। ऐसे करके हम सभी ग्वारफली को धीरे धीरे डाल देंगे। ग्वारफली को आप आराम आराम से डालें ताकि ये नीचे नहीं गिर जाए। हमने एक बाउल ग्वारफली ली है, 250 ग्राम के करीब। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा ग्रेवी के अंदर दबा देंगे ताकि ये ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको ढककर पकाएंगे। और ये देखिए, अभी हम चेक कर लेते हैं इसको और इसको एक बार पलट देते हैं ग्रेवी के अंदर, ताकि ग्रेवी इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाए और हमारी ग्वारफली बहुत अच्छे से बन जाए। ग्वारफली की सब्जी तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन ऐसी आपने कभी नहीं खाई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना। तभी आपको पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा है। ऐसे हम 2-3 बार इसको चेक करेंगे और पलटते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे। और ज़्यादा पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, उसी पानी से ये पक जाएंगी और अच्छे से इसको ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दें ग्वारफली को पलटते पलटते हुए, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और इसको ढककर पकाएं। और ये लीजिए, हमारी ग्वारफली की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको सर्व कर देते हैं। ये लीजिए, हमने सर्व कर दी। देखिए कितना प्यारा कलर आया, कितनी प्यारी बनी है हमारी ग्वारफली की सब्जी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना।